शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उनका भावपूर्ण स्मरण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। मथुरा के सहायक संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय पर AITO प्रवर्तन मनोज कुमार मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। AITO ऑफिस के इस ध्वजारोहण के दौरान डीलिंग बाबू, जितेंद्र दीक्षित, रामकरण आदि सहित कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। आज 2 अक्टूबर भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है, महात्मा गांधी की जन्म तिथि, जिसमें हम लोगों ने एक महान सपूत को प्राप्त किया था, जिन्होंने इस भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपने पसीने की खून खून का एक एक बूंद का जो है बलिदान किया इस देश के लिए, और हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग जो है इस लेवल पे हैं कि भारत एक अपने महाशक्ति कहलाने की स्थिति में आज पहुंचा है। आज पूरा विश्व जो है भारत की भांति कोरोना पैंडेमिक से प्रभावित है, उसको देखते हुए कोई कार्यक्रम बड़ा नहीं आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि की एक सभा आयोजित की गई है और हम अपने बापू जी को सत सत नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि जहां से भी उनकी ऊर्जा की किरण आ रही हो, हम लोगों को ऊर्जान्वित करती रहे, आशान्वित करती रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उनका भावपूर्ण स्मरण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। मथुरा के सहायक संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय पर AITO प्रवर्तन मनोज कुमार मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। AITO ऑफिस के इस ध्वजारोहण के दौरान डीलिंग बाबू, जितेंद्र दीक्षित, रामकरण आदि सहित कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। आज 2 अक्टूबर भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है, महात्मा गांधी की जन्म तिथि, जिसमें हम लोगों ने एक महान सपूत को प्राप्त किया था, जिन्होंने इस भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपने पसीने के खून खून का एक एक बूंद का जो है बलिदान किया इस देश के लिए, और हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग जो है इस लेवल पे हैं कि भारत एक अपने महाशक्ति कहलाने की स्थिति में आज पहुंचा है। आज पूरा विश्व जो है भारत की भांति कोरोना पैंडेमिक से प्रभावित है, उसको देखते हुए कोई कार्यक्रम बड़ा नहीं आयोजन किया गया है, श्रद्धांजलि की एक सभा आयोजित की गई है और हम अपने बापू जी को सत सत नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि जहां से भी उनकी ऊर्जा की किरण आ रही हो, हम लोगों को ऊर्जान्वित करती रहे, आशान्वित करती रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।